हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि एमसीओ 4 है, उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक नहीं, टोटल एक्चुअली 4 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर यू नो क्वेश्चन में आपको आते हैं कि कमेंट करने के लिए। कोई टॉपिक दे दिया, उसके ऊपर कमेंट करने के लिए बोला जाता है या उसको डिफाइन करने के लिए बोला जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कमेंट ऑन द फॉलोइंग, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो टोटल 4 स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यू नो पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। दूसरी बात, आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास से कर सकते हैं। इग्नू जैन एम कॉम में, जैन 2022 में जिनका एडमिशन हुआ है उनकी क्लासेस चल रही हैं। ऑलरेडी 3-4 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। मैं चाहूंगा कि आप भी ज्वाइन करें अगर आपको ज्वाइन करना है, और हम स्टडी साथ में करेंगे एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी असाइनमेंट्स होंगे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। कोई भी अलग से चार्जेस वहां पे नहीं लिया जाएगा। फी थोड़ी सी हाई है अभी फिलहाल, लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स होंगे मैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। राइट नाउ द फी इज 1000 पर मंथ, विच इज ऑल्सो वेरी लो आई गेस, बहुत ज्यादा भी नहीं है। दिस इज द अमाउंट दैट लाइक यू विल हैव टू पे इन जनरल, ठीक है ना, इन जनरल ही आपको पे करना होता है, राइट? तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो हमसे ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट आवर क्लासेस। एंड जो बच्चे एमसीओ ये सारे पेपर जो है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है वो अभी नहीं दे रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप एग्जाम आराम से दिसंबर में दे सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, यू हैव इनफ टाइम, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलो फिर देख लेते हैं आज का हमारा लेक्चर, विच इज अबाउट लाइक कमेंटिंग ऑन डिफरेंट स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट जो हम आज अभी करने वाले हैं वो है The environment with which a business firm operates in highly dynamic and complex, है ना? तो जो environment होता है जहाँ पे business firm operate करती है, business firm अपने functioning को करती है, वो बहुत ही ज्यादा dynamic और complex होता है, बहुत ही ज्यादा गत्यात्मक और एक तरीके से complex nature का होता है, जटिल nature का होता है। कैसे होता है देखते हैं भाई, तो चलिए start करते हैं। So, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। सो एज बिजनेस एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स नेचर, इट प्ले अ वाइटल रोल इन डिफाइनिंग द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको आपने सुना होगा कि जहां पे बहुत ज्यादा यू नो डायनामिक्स होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वहीं पे ग्रोथ का भी चांसेस ज्यादा रहता है, राइट? जहां पे एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, मुझे फेमस लाइन तो मुझे याद नहीं आ रही, बट वो कुछ लाइन कुछ इस तरीके की थी कि एक नॉर्मल सी जो है, जहां पे तूफान नहीं आ रहा है, जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वहां पे जो अच्छे सेलर्स हैं वो नहीं बन सकते। अच्छे सेलर्स बनने के लिए, सेलर्स मतलब यहाँ पे मैं जो नाव चलाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सेलर्स नहीं, सेलर्स, ठीक है ना, जो नाव चलाते हैं। तो जो नाव चलाते हैं वो अच्छे तभी बन पाएंगे जहाँ पे वो नाव चला रहे हैं वो ज्यादा अगर मुश्किल भरा होगा, राइट? तो वही बात है कि कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर मुश्किलात है, डायनेमिक्स है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है, तो वहां पे आपके पास ग्रोथ करने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है, राइट? तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स नेचर है, इट प्लेज अ वाइटल रोल किसी भी बिजनेस की सक्सेस को यू नो एक तरीके से डिफाइन करने में, उसको आगे लेकर के जाने में बहुत हद तक ये काम भी आता है। एज वी ऑल नो दैट रनिंग अ बिजनेस इज नॉट एन इजी टास्क, इट कम्स विद अ ओन सेट ऑफ चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, है ना? SWOT एनालिसिस आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो उसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, राइट? तो हमें पता है कि जब भी हम बिजनेस को रन करेंगे तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि कौन कौन से थ्रेट्स हमारे पास हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हमें क्रैक करना है। सो बिजनेस चलाना कोई ईजी काम नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, SWOT एनालिसिस आपको करना पड़ता है। Therefore, the different business strategies to be formulated in a systematic manner where the organization can encash the benefits of opportunities and can also shield itself from the threats being posed by the environment simultaneously. है ना? तो ये बात बोली गई है कि जो different business strategies है वो आपको adopt करनी पड़ती है ताकि आप systematic manner में जो company की you know जो functioning है उसको आप ठीक तरीके से चला सको। कई बार ऐसा होता है कि business environment में जो भी चीज, जो factors होते हैं, right? चाहे वो internal हो या फिर external हो, वो एक तरह से आपके बिजनेस के लिए यू नो थ्रेट पोज करते हैं। तो उन सबको एक तरीके से टैकल करने के लिए, उन सबको एक तरीके से यू नो खुद को शील्ड करने के लिए आपको जो है डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज को अपनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो अगला जो हमारा है, हियर द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट कम्स टू फोर एज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज द मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजंस दैट कैन प्रूव टू बी ड्राइविंग एजेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक
ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बात बोलेगी कि जो एनवायरमेंट होता है वहाँ पे, यू नो, बिजनेस को चलाना, बिजनेस की फंक्शनिंग इतनी आसान नहीं होती, वहाँ पे बहुत सारे थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास होती हैं। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग को बेहतर करें, यू नो, अपने डिसीजन सही तरीके से लें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक अच्छे मुकाम पे लेकर के जाया जा सके, राइट। सो दैट दे आर ट्राइंग टू से। अगला हमारा जो पैराग्राफ है इसको देख लेते हैं। टू अकॉम्प्लिश द टास्क ऑफ डिफाइनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, फर्स्टली वी नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। तो हमें अगर यू नो अकॉम्प्लिश करना है तो बिजनेस एनवायरनमेंट को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से यू नो बिजनेस को लेकर के चलना है, तो उसके लिए हमें माइक्रो एंड जो मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप उसको ठीक तरीके से समझ लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस टाइम पे किस तरीके से आपको लाइक यू नो रिएक्ट करना है, राइट। फर्दर देर इज अ नीड टू डिफाइन डिफरेंट लेवल्स एट विच द एनवायरमेंट ऑपरेट्स, ठीक है ना। तो डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं, उसको भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिजनेस एनवायरमेंट इज अ ब्लेंड ऑफ डायनेमिज्म, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड मल्टी फैसेटेड कैरेक्टर्स विच इन द लॉन्ग रन हैव फार रीचिंग अफेक्ट ऑन द ग्रोथ कंटिन्यूटी एंड ऑल्सो ऑन द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। एक मिनट, ओके मैं म्यूट पे था, आप ओके प्रतीक मैं म्यूट पे था, आपको आवाज नहीं आई क्या? ओके 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 ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे, आई होप कि रिकॉर्डिंग तो हो रही है दूसरे वाले ऐप पे, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं यहीं से करता हूँ, बाकी सारे पॉइंट स्टार्ट से कर लेंगे और ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा तो हो जाएगा वहां पे, ठीक ना। ओके देन, थैंक यू, आपने पहले बता दिया। ये टेक्निकल कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लाइक प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा काफी। खैर, सो अगला है, देयरफॉर इन सच अ सिचुएशन इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द बेसिक इन डेप्थ फिलोसफीज ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट टू मेक श्योर दैट दे कंप्लीटली अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट इन विच दे आर ऑपरेटिंग, ठीक है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है उसमें बहुत ज्यादा डायनेमिज्म होता है, यू नो गत्यात्मक होता है, कभी कुछ चल रहा होता है, कभी कुछ और चल रहा होता है। सो जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में आते हैं उसके कारण से जो बिजनेस होता है उसमें भी चेंजेस आपको लाने पड़ते हैं। तो उसमें डायनेमिज्म बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, चीजें बहुत जटिल हैं, मल्टी फेसेटेड कैरेक्टर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पे हो रही होती हैं एक ही टाइम पे। तो आपको उन सबको एक तरीके से टैकल करके आगे चलना होता है। तो लॉन्ग रन में अगर आपको ग्रोथ करना है, कंटिन्यूटी बना करके रखना है, अपने बिजनेस को सर्वाइव करना है, सर्वाइवल जो इंस्टिंक्ट होता है उसके ऊपर अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको अपने बिजनेस एनवायरमेंट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो देयर फॉर इन सच ए सिचुएशन, उस तरह की सिचुएशन में ये बहुत जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उनके पास जो है बिजनेस एनवायरमेंट को लेकर के इन डेप्थ नॉलेज हो, इन डेप्थ जो फिलोसफीज हैं, जो नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस एनवायरमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ करके उसके काम को आप ठीक तरीके से चला सकें। बिकॉज जिस भी एनवायरमेंट में आपका बिजनेस काम कर रहा है उस बिजनेस एनवायरमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू रन दैट बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारा पहला हमारा जो है स्टेटमेंट था उसका आंसर है ये। दूसरा स्टेटमेंट जो हम लोग अभी करने वाले हैं वो है एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। जो एनवायरमेंट होता है और जो मैनेजमेंट होता है दोनों चीजें अलग हैं, बट दोनों एक दूसरे को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। बिजनेस के कारण मैनेजमेंट के कारण एनवायरमेंट भी समटाइम्स इन्फ्लुएंस होता है और एनवायरमेंट के कारण मैनेजमेंट भी इन्फ्लुएंस होता है। कैसे होता है चलिए फिर देखते हैं। इसका कलर मैं डिफरेंट कर लेता हूँ। ओके देन, यस, सो एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। It is said that the environment and management influence each other. In other words, it can be said that the environment and management are directly related to each other. ठीक है? तो environment और management जो है एक दूसरे को you know influence कर रहे हैं, तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो environment और management होता है वो directly एक दूसरे से related भी होता है. Because whatever changes happens in the environment that affects the management too. या फिर जो भी चीजें management करेंगी उसका अफेक्ट जो है एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ेगा। मैनेजमेंट ने सपोज कोई ऐसा डिसीजन ले लिया या फिर कुछ ऐसे रूल्स वगैरह बना दिए जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं, अचानक से कोई रूल बन गया तो उसको लेकर के जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है या फिर जो एक्सटर्नल तो नहीं खासकर इंटरनल एनवायरनमेंट ही उसके ऊपर असर पड़ता है, एम्प्लॉयज के फंक्शनिंग के ऊपर असर पड़ता है, एम्प्लॉयज के काम करने के तरीके के ऊपर एक तरीके से असर पड़ता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अगला है, एज द एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग विद चेंजिंग टाइम्स एंड फैक्टर्स there is a scope for the management to bring in new business strategies to drive their organization towards growth,
ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि एनवायरनमेंट में जो यू नो डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि कीप्स ऑन चेंजिंग, चीजें जो है यहाँ पे लगातार बदलती रहती हैं, फैक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट बदलते रहते हैं, उसमें बदलाव होते रहता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कोप होता है, स्कोप भी होता है यहाँ पे कि मैनेजमेंट जो है नई बिजनेस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे अप्लाई करके बिजनेस को आगे लेकर के जा सके, ठीक है ना। तो जहाँ पे थ्रेट होता है वहां पे अपॉर्चुनिटी भी होती है, बस नजरिया आपका डिफरेंट होना चाहिए। कई लोग यू नो थ्रेट्स को बहुत ज्यादा यू नो सीरियस ले लेते हैं और डिफरेंट जो इनोवेटिव चीजें हैं वो वहां पे नहीं करते हैं, जो बिजनेस स्ट्रेटेजी उनको अपनानी चाहिए वो वहां पे नहीं अपना पाते हैं, एंड वहीं पे वो गलती करते हैं। उनको अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा बहुत चेंज करके, अपना काम करने के तरीके को चेंज करके वो बिजनेस को आगे लेकर के जा सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही लाइक ऑथेंटिक बात भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कोविड के टाइम पे जो इतने सारे यूनिकॉर्न्स बने हैं वो बन नहीं पाते। कोविड हमारे लिए थ्रेट था, लेकिन साथ ही साथ लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी में बदल करके बहुत सारी कंपनीज क्रिएट की जो कि अभी के टाइम पे यूनिकॉर्न्स हैं, 7,500 करोड़ की कंपनीज हैं अभी। खैर, सो सिमिलरली ऑन लुकिंग एट द काइंड ऑफ पॉलिसीज बीइंग फॉलोड बाय द मैनेजमेंट, द न्यू इक्वेशंस कैन इमर्ज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, पेविंग वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो उसी तरीके से जो ऑन लुकिंग एट द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज, जो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज अगर आप उसको ठीक तरीके से ध्यान दोगे या फिर उसको अगर ठीक तरीके से फॉलो किया जाएगा बाय द मैनेजमेंट एंड द अदर सबऑर्डिनेट्स, तो बिजनेस डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है और इमर्ज कर सकता है यू नो एक बड़े बिजनेस फर्म के रूप में, और नई नई अपॉर्चुनिटीज भी रास्ते में आती हैं जिनको आपको एक तरीके से यू नो गैदर करना होता है और उसके ऊपर फिर जो है आपको काम करना होता है। आप जैसे ऐसे बिजनेस को आगे बढ़ाते हो आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, थ्रेड्स भी मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना होता है, थ्रेड्स को आपने अवॉइड करना होता है बाई चेंजिंग योर बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड प्लान, जो भी है आपके पास उसमें थोड़े बहुत आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। देयर कैन ऑल्सो बी न्यू थ्रेड्स, जो मैं कह रहा था, देयर कैन ऑल्सो बी न्यू थ्रेड्स अकॉर्डिंग टू विच सॉल्यूशंस कुड बी फाउंड टू फेस दोज चैलेंजेस, है ना। तो जैसे जैसे आप बिजनेस चलाओगे आपको थ्रेड्स भी वहां पे निकल करके आएंगी, वहां पे मिलेंगी, तो उसके लिए आपको जो है यू नो अपने काम करने के तरीके में, अपने बिजनेस के बिजनेस का जो स्ट्रेटेजी है या जो प्लान है उसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस वहां पे करने पड़ते हैं। द डिफरेंट मैनेजमेंट पॉलिसीज कैन ब्रिंग अ चेंज इन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्ट्रेटेजीज दैट कैन ट्रिगर द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सैनिटाइजेशन के लिए जो हम लोग सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे थे उसका एक तरीके से सेल होना। कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर लोगों का इस्तेमाल बहुत ही कम करते थे, खासकर हॉस्पिटल्स वगैरह में होता था जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखा जाता है, तो वहाँ पे तो होता था, डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल भी होता था, लेकिन हम लोग घर में भी थोड़ा बहुत डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते थे। बट जिस लेवल से एक तरीके से इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर्स का, मतलब लोग खाने पीने की तरह उसका इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब डेली आ रहा है, मंथली आ रहा है, 5-5 लीटर का आ रहा है, तो लोग उस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, जो आपके बिजनेस पॉलिसीज हैं, वो आपको बदलते रहनी होंगी एनवायरनमेंट के चेंजेस के कारण। जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होने के कारण ही एक तरीके से कोविड स्टार्ट हुआ, कोविड का असर जो हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ा, तो वहां पे बिजनेसेस जो है बहुत सारे निकल करके आए जिन लोगों ने सिर्फ सैनिटाइजर के ऊपर ध्यान दिया, सिर्फ सैनिटाइजर मास्क जो चीजें थी जिनका इस्तेमाल लाइक गवर्नमेंट कह रही थी करने के लिए, उन सब प्रोडक्ट्स को उन लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, तो वो लोग जो डिमांड है उसको वो लोग ट्रिगर कर पाए, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जाइए कि आपको नई स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती है आपके बिजनेस में, आपके एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होती हैं उसको ध्यान में रख करके। तो इससे हम कह सकते हैं कि बिजनेस का जो है, जो मैनेजमेंट है, उसका असर एनवायरमेंट के ऊपर पड़ता है और एनवायरमेंट का असर मैनेजमेंट के ऊपर पड़ता है, बिकॉज ऑन द एनवायरमेंट दैट इज चेंजिंग प्लेस दे टेक देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रही है उसके बेसिस पे वो लोग जो है डिसीजंस वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। सी नंबर जो हमारा एक टॉपिक है, एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है कि रिलीजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ सोशल सिस्टम। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। सो रिलीजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम में रिलीजन का जो है बहुत ही बड़ा महत्व है, और वो जो है एक तरह का एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है आप बोल सकते हो आपके सोशल सिस्टम का। कैसे है डिस्कस करते हैं। तो सोशल सिस्टम में बी डिस्क्राइब्ड एज एन अरेंजमेंट ऑफ सोशल इंटरैक्शंस बेस्ड ऑन शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज, है ना। तो सोशल सिस्टम को हम लोग इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो सोशल इंटरैक्शंस हमारे बीच में होती हैं, ठीक है ना, जैसे हम किसी से मिलते हैं, हमारे बीच में जो इंटरैक्शंस हो रहा है, जो भी शेयर्ड नॉर्म्स हैं कि मैं ये फॉलो कर रहा हूँ तुम भी ये फॉलो करो, जो वैल्यूज है हमारी, उन सब चीजों में एक तरीके से एक ताना बाना है,
सारी चीजों का कि हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे बात करनी है एंड ऑल, कल्चरल चीजें भी आ जाएंगी, रिलीजन वाली चीजें भी आ जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी, तो उनका ना मिल करके एक टोटल का जो है हमारा सोसाइटी बना हुआ है। तो सोसाइटल सिस्टम का मतलब यही है कि इन सब चीजों का एक तरीके से अच्छे तरीके से फंक्शनिंग करना, दैट इज व्हाट सोशल सिस्टम इज, ठीक है ना। सो रिलीजन इज एसोसिएटेड विद द नॉर्म्स एंड आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी। रिलीजन जो होता है वो हमारे नॉर्म्स एंड आइडियल्स जो होते हैं सोसाइटी के साथ रिलेटेड होता है, राइट। इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूटेड, लोग इसको बनाते हैं एंड ईच हैज प्लेस एंड फंक्शन टू परफॉर्म विद इन इट। और सारे लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो एक जगह पे यू नो अब जो भी उनके रिचुअल्स वगैरह हैं, जो भी उनका रिलीजन है, वो उनको फॉलो कर सके। द सोसाइटी लेज डाउन सर्टेन नॉर्म्स एंड आइडियल्स फॉर कीपिंग द सोशल सिस्टम इंटैक्ट फॉर डिटरमाइनिंग द वेरियस फंक्शंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। तो सोसाइटी जो है एक तरीके से यू नो डिफरेंट नॉर्म्स लेकर के आती है, आइडियल्स लेकर के आती है कि इसके तहत जो है काम करना है आपको, है ना, ताकि उनका जो सोशल सिस्टम है वो इंटैक्ट रहे, जो उनका सोशल सिस्टम है वो इंटैक्ट रहे, वो ठीक तरीके से काम करें, एंड फॉर डिटरमाइनिंग द वेरियस फंक्शंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। अब यहाँ पे इसको एक तरीके से बिजनेस के रूप में अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कनेक्शन बैठा पाओगे कि बिजनेस भी एक तरीके से सोशल सिस्टम की तरह ही होता है। वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, बट वहाँ पे भी एक सिस्टम होता है जिसके तहत वो बिजनेस काम कर रहा होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से जिस तरीके से सोशल सिस्टम है, उसी तरीके से बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है या फिर जो बिजनेस का जो एक तरीके से आप इंटरनल जो चीजें होती हैं वो भी उसी तरीके की होती हैं, ठीक है। तो दीज नॉर्म्स एंड आइडियल्स इंक्लूड फोकवेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फैशंस, मोरालिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। रिलीजन इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट इंक्लूड्स बिलीव्स एंड प्रैक्टिस दैट सर्व द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्म्स में क्या क्या आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा फोकवेज, आ जाएगा कस्टम्स, आ जाएंगे पुराने ट्रेडिशंस, आ जाएंगे फैशन, आ जाएगा हमारा मोरालिटी, आ जाएगी रिलीजन तो है ही। तो रिलीजन जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन में जो है हमारा इंक्लूड होता है। रिलीजन इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट इंक्लूड्स बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। रिलीजन में लोगों को बहुत सारी बिलीव्स होती हैं और वो बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं दैट सर्व द नीड्स ऑफ सोसाइटी, जो कि हमारे सोसाइटी के नीड्स को एक तरीके से पूरा भी करता है ना। जैसे कि रिलीजन में हमें कहा जाता है ना दान देने के लिए, तो यहाँ पे जो दान देना की जो प्रक्रिया है या यू नो ये जो सोशल चीजें जो होती हैं ये हम लोग करते हैं ताकि जो सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो भी पूरी हो पाए। कोई फकीर हमारे घर पर आया तो उनको हम लोगों ने दान दिया, है ना। तो जो भी सोसाइटी की नीड्स हैं, जो भी सोसाइटल वे में होनी चाहिए चीजें, वो हम लोग करते हैं। और सेम चीजें जो है एक तरीके से बिजनेस में भी एक तरीके से होता है वो सारी चीजें। रिलीजन कैन ऑल्सो सर्व एज अ फिल्टर फॉर एग्जामिनिंग अदर इश्यूज इन सोसाइटी एंड अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ कल्चर। तो रिलीजन को हम यू नो एज अ फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट इश्यूज को एक तरीके से एड्रेस करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होती हैं हमारी सोसाइटी में और हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ यू नो उसको सॉल्व करने का कुछ ना कुछ तरीका भी होता है कि किस तरीके से उन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करना है एंड ऑल। तो ये टॉपिक वैसे मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, बट अगर पूछा गया यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। देयर इज माय कर्सर, ओके। सो फोर्थ जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है कि अ सोशल ग्रुप इज डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक। तो सोशल ग्रुप होता है वो डायनामिक होता है, डायनामिक मतलब हमेशा बदलते रहने वाला, और स्टैटिक मतलब हो गया कि एक तरीके से फिक्स्ड है कि कोई बदलाव उसमें नहीं हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो सोशल ग्रुप है वो हमेशा बदलते रहता है, ना कि स्टैटिक रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो कैसे बदलते रहता है, चलिए फिर देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर लेता हूं, ओके। सोशल ग्रुप्स, तो सोशल ग्रुप्स क्या होता है? तो द सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग विद कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एट एनी प्लेस। दिस सोशल ग्रुप इज फॉर्मड व्हेन देयर इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल विद कॉमन गोल्स whose actions continue to stimulate each other's action, ठीक है। तो सोशल ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो है एक तरीके से कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होता है किसी एक जगह पे, ठीक है। जैसे दोस्तों का ही कोई एक ग्रुप हो गया सोसाइटी में, अगर वो ग्रुप है जहाँ पे लाइक सारे दोस्त मिलकर के एक जगह पे बात कर रहे हैं या यू नो अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे के आइडियाज को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एक तरीके से सोशल ग्रुप बोल सकते हैं। सबका अपना अपना एक सोशल ग्रुप होता है, राइट। तो उसी सोशल ग्रुप के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो है कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है किसी एक जगह पे। दिस सोशल ग्रुप इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल विद कॉमन गोल, है ना।
ये एक सोशल ग्रुप तब तैयार होता है जब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं विद कॉमन गोल, उनका सेम गोल होता है, उनका सेम ऑब्जेक्टिव होता है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, जिनके एक्शंस जो हैं वो कंटिन्यू एक तरीके से स्टिमुलेट करते हैं अदर के एक्शन को। सपोज 5 लोग हैं, एक आदमी ने बेहतर काम किया तो दूसरा उससे इन्फ्लुएंस हुआ और उसने बोला कि चलो मैं भी बेहतर काम करूंगा, तीसरा भी उससे इन्फ्लुएंस हुआ, स्टिमुलेशन भी बोला जाता है एक तरीके से इसको। तो ये लोग जो है आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो जो भी उनके यू नो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कॉमन गोल्स हैं, उनको वो लोग पूरा कर सके। ठीक है, तो सोशल ग्रुप का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे जो अगला लाइन का बात अब बोला गया है कि एक सोशल ग्रुप जो होता है वो डायनामिक होता है, वो स्टैटिक नहीं होता है। मेंबर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप लिंक टुगेदर इन अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर एंड दे इंटरैक्ट विद ईच अदर्स अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। तो जो भी ग्रुप्स के नॉर्म्स होंगे, जो भी उनका यू नो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होगा, वो लोग उसके अकॉर्डिंग जो है लोग एक दूसरे के साथ यू नो इंटरेक्ट करते हैं, और जैसा कि स्टिमुलेशन की बात पहले बोली गई, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे और फिर अपने काम करने के तरीके में बदलाव भी लाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक सोशल ग्रुप होता है जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक सोशल रिलेशनशिप है बिटवीन ऑल ऑफ देम, एंड वो लोग जो है अपने यू नो नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो भी उनके गोल्स हैं उनको वो लोग अचीव करने के लिए यू नो एफर्ट लगाते रहते हैं। इट रिस्पॉन्स टू डिफरेंट चेंजेस, अब देखो यहाँ पे इसी लाइन में सारा आंसर है। इट रिस्पॉन्स टू डिफरेंट चेंजेस, यहाँ पे बोला गया कि एक सोशल ग्रुप एक डायनामिक है, तो डायनामिक इसीलिए है क्योंकि वो चेंजेस होते रहते हैं, जो भी मतलब उसमें बदलाव आते रहता है, और वो बदलाव इसलिए आता है क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही है, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होंगी, जो भी कम के काम करने के तरीके में होगा, जो भी नॉर्म्स में एक तरीके से चेंजेस होंगी, उसके कारण से उनका जो यू नो सोशल ग्रुप है उसमें भी वो लोग जो है डिफरेंट तरीके से वो लोग काम करेंगे। सो इट रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट चेंजेस, जो भी डिफरेंट चेंजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग फिर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। द नेचर ऑफ चेंज मे बी स्लो और रैपिड बट इट इज बाउंड टू ऑकर। जो नेचर ऑफ चेंज है, जो बदलाव का जो एक तरीके से बात होती है, वो धीरे हो या जल्दी हो लेकिन हो के रहता है, धीरे भी हो सकता है जल्दी भी हो सकता है, लेकिन बदलाव जो है वो आता ही है, उसको कोई नहीं टाल सकता। ठीक है ना, द स्पेशलिटी ऑफ दीज ग्रुप्स इज दैट दे मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट दे नेवर डाई। अब जो स्पेशलिटी होती है इन सारे ग्रुप्स की, वो ये होती है कि ये लोग चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, इनका जगह भी बदलते रहता है, लेकिन ये लोग कभी मरते नहीं है, मतलब ये काम जो है, जो सोशल ग्रुप का जो काम है वो हमेशा चलते रहता है, सोशल ग्रुप जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। हमारे आसपास में ही हमें बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, जैसे कि मान लो सुबह सुबह लोग जाते हैं योगा करने के लिए, तो उनका एक ग्रुप है, उनका मेन पर्पस क्या है कि वो लोग सुबह सुबह जाकर के योगा करेंगे, उनका मेन गोल जो है उनका ये है। तो जगह बदलते रहता है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन जो पर्पस है योगा करने वाला वो नहीं बदलता। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसको अगर हम लोग बिजनेस से रिलेट करेंगे तो बिजनेस का भी मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। बिजनेस में इंप्लॉइज आएंगे, इंप्लॉइज जाएंगे, राइट। बिजनेस का जगह भी बदल सकता है, कोई एक बिजनेस किसी एक जगह पे है, उसने एक्सपेंशन किया, वो किसी और जगह पे भी चला गया, है ना, लेकिन जो उनका मेन गोल है बिजनेस को एक्सपेंड करना, बिजनेस में प्रॉफिट कमाना, वो कभी नहीं बदलता। ठीक है ना, तो उसी तरीके से एक सोशल ग्रुप जो होता है वो भी डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है। तो ये हमारे 4 टॉपिक्स थे जिनको हम लोगों ने अभी डिस्कस करा है, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।